पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा मनाई जा रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के सभी मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की जा रही है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों को कोई परेशानी न हो इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। देश भर में ईद उल अजहा मनाया जा रहा है और इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को पंगू किए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी बरकरार है। ईद उल अजहा पर भी ये तल्खी देखने को मिली। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा पर भारत ने पाकिस्तान को मिठाई ऑफर की थी जिसे पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया है। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। फैसले पर पीएम ने कहा कि फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया है और आगे कश्मीर को लेकर बड़ा प्लान भी है ताकि घाटी में विकास को बढ़ाया जा सके जिससे घाटी के लोगों को काफी फायदा होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मसला उठाया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सलाह दी है। उन्होंने आशंका जाहिर की कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कश्मीर को खो देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति वांग चिशान से सोमवार को मुलाकात की। वांग चिशान के साथ जयशंकर की मुलाकात काफी अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी चीन पहुंचे थे। यूपी के हापुड़ में 3 तलाक का मामला सामने आया है। कोतवाली क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने पति से दवा के लिए महज 30 रुपए मांगे जिससे नाराज पति ने 3 तलाक दे दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता के 2 मासूम बच्चे भी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से रियल स्टेट के दिग्गजों ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान नकदी की समस्या और उनकी परियोजनाओं को पूरा किया जाना प्रमुख एजेंडा रहा। देश के रियल स्टेट मार्केट में मांग पैदा करने के उपायों पर चर्चा की और रुके हुए प्रोजेक्ट के लिए एक एक्सप्रेस फंड के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। केरल में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की गई है। कन्नूर में मुस्लिम यूथ लीग के कार्यकर्ताओं ने अमकोटम महादेव मंदिर की सफाई की। दरअसल बाढ़ की चपेट में श्री कंदपुरम का ये मंदिर आ गया था और 2 दिनों से मंदिर में पानी भरा था। देश के करीब 9 राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। केरल से कर्नाटक तक और गुजरात से महाराष्ट्र तक कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। मूसलाधार बारिश की वजह से दक्षिण डूब रहा है जबकि पश्चिमी राज्यों में भी चीख पुकार मची हुई है। देश के 9 राज्यों में बाढ़ से अब तक 221 लोग जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं।